किरण मेहता जयलक्ष्मी सिलाई केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कलीदार प्लाजो बनाना बताऊंगी। बहुत सुंदर प्लाजो है, आप इस वीडियो को ध्यान से। आज हम कलीदार प्लाजो बनाएंगे। तो कलीदार प्लाजो के लिए पहले ऐसे कपड़ा खोलेंगे और खोल के इसको, ये देखिए हमने डबल कर लिया कपड़ा ऐसे। देखिए डबल, और फिर एक बार और, ये देखिए ऐसे हमने डबल किया। चार तह में हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चार तह में किया कपड़ा। अब हम इस चार तह की ऐसे करके आठ तह बना देंगे। ये देखिए हमने इसकी आठ तह बना दी। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कपड़ा काटें, सबसे पहले कपड़ा सिमटा हुआ होना चाहिए। जब भी आपका कपड़ा सिमटा हुआ होगा, आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी और आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। ये जो मैं आपको प्लाजो बनाना बता रही हूँ, ये बहुत आसान कटिंग बताऊंगी और बहुत सुंदर प्लाजो है। नीचे जब पहनेंगे तो ऐसा लगेगा नीचे से देखने में जैसे शरारे जैसा घेरा आएगा, और ऊपर से फिटिंग बिल्कुल एकदम पेंट स्टाइल की होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इस तरह पहले चार तह में फोल्ड किया और इस कपड़े को आगे तक फोल्ड करके आठ तह में फोल्ड कर दिया। ये देखिए कपड़ा कितना सिमट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ने का निशान लगाएंगे, जैसे हमें ये मोड़ना है नीचे, और उसके बाद 36 हमारी लेंथ है। ये देखिए ये हमारी, ये आ गए हम 36 हमने लेंथ ले ली, ठीक है, ये हमने 36 लेंथ ली। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस कपड़े की हमें चौड़ाई नापनी है। ये चौड़ाई हमारे पास 42 हिप का है। तो ये जो हम बनाएंगे, हम ये 42 हिप का बना रहे हैं, तो 42 को जब हम डिवाइड करेंगे चार से तो हमारे पास 10.5 आ जाएगा। तो यानी ये जो कपड़ा हम जब आठ तह में फोल्ड करेंगे तो ये हमारे पास 10.5 होना चाहिए। तो ये देखिए कपड़े को फोल्ड करके बिल्कुल पूरा आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि इसको जो 42 है इसको 6 से भाग करेंगे, 7 आया हमारे पास। अब हम इधर 7 लेंगे एक बार, और एक बार हम इधर 7 लेंगे। ये देखिए ये हमने 7 ले लिया, और लेके अब हम इसको इस प्रकार मिला देंगे। ये हमने मिलाया, अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। जब भी आप कोई भी कपड़ा काटें, बड़ा कपड़ा, तो उसको फोल्ड करके ही काटें। फोल्ड करके काटने में बहुत आसानी होती है। और फ्रेंड्स, एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि मैंने इसमें ऊपर मोड़ने का बिल्कुल नहीं बढ़ाया, सिर्फ नीचे नीचे बढ़ाया है। तो ऊपर मोड़ने का इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए, क्योंकि इसका एक हिस्सा नीचे है और एक हिस्सा ऊपर है, तो इसलिए इसमें अलग से बेल्ट लगेगी। देखिए, मैं एक बार और कंफर्म आपको कर दूं, इसका ये जगह और ये जगह नीचे आएगी। तो अगर हम इसमें यहाँ बढ़ाएं या इधर बढ़ाएं तो बात तो एक ही आ जाएगी, तो इसलिए हम इसकी बेल्ट ऊपर से अलग लगाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसे काटते हैं। तो ये देखो ऐसे, ये देखिए हमने इसे काट लिया। काटने के बाद अब हम इन कलियों को काटेंगे। अब हमारी ये जो कलियां हैं, देखिए एक तरफ से तो बंद आई हैं, एक तरफ से खुली ये आई हैं। तो जो खुली वाली है तो सही है, ये जो बंद है हम इनको भी काट दें। कट गई, और ये देखिए ये कट गई हमारी कलियां, ठीक है। अब हमारे को देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह बनेगा। तो अभी मैं फ्रेंड्स दिखा, अब हमारी ये कटिंग हो गई है पूरी। अब हम देखते हैं ये कितनी कलियां बनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हैं, ये 8 कली तो ये बनी। और इसे देखेंगे हम, ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये देखिए 4 ये हैं और 8 ये हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह बनेंगी। इसमें से एक कली को हम निकाल लेंगे, ये देखिए
दो कली निकालेंगे, एक नहीं निकालते, दो निकालते हैं, क्योंकि हमें इन्हें दो को जो है इस इन्हें दो को हमें यहाँ से काटना होगा, क्योंकि जो हमारे दोनों पैरों के लिए दो कली तो हम बंद रख लेंगे और इनको दो को हम काट देंगे अलग। तो ये अभी मैं काटूंगी तब दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बीच में पहले ये बंद कली रखेंगे ऐसे। अब मैं ज़रा सा इसका सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर ये देखिए, इसमें एक हिस्सा तिरछा है और एक हिस्सा सीधा है, तो सीधे वाले को इसके साथ ऐसे रखेंगे। ये मैं दो दो का पेयर बना के रख रही हूँ, जिससे कि जब हम सिलेंगे तो ये देखो, इसको इसके साथ सिल देंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ सिल देंगे। ये देखिए, ये हो गया। फिर दो कली हम इसके आगे रखेंगे। ये दो हैं, इसमें से एक हटा देती हूँ मैं। और दो हमने ये देखिए इसके सामने ऐसे रख दी। और फिर ये दो हमने इसके साथ रख दी। ये देखिए, ये तो हमारे एक पैर की कलियां तैयार हो गई, जो हमारा एक पैर बनेगा ये एक पैर की हो गई। अब हम दूसरे पैर की कलियां इसके ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के लिए इसे ऐसे रख दी, फिर ये रख दी। ये देखिए, ये हमने रखी। अब हमारे पास ये देखिए, ये कली जो बची है, अभी हम इसे काटेंगे। जब हम इसे यहां से बीच में से काटेंगे तो हमारे पास चार चार मिल जाएंगे कलियां। तो देखिए, अब मैं काट ही देती हूँ लगे हाथ। ये काट दिया। उसके बाद इसे यहाँ, और ये देखिए इसे यहाँ। ये देखिए, ये सारी कलियां हमारी, ये देखिए दो पैर के हिसाब से, एक ये रहा सेट हो गई। और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो अभी मैं इसको बस इसके साथ पकड़ पकड़ के ऐसे सिलूंगी। तो मैं जब इसे सिलूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग इसकी कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसको सिलना स्टार्ट करती हूं। अब मैंने ये कलियां एक के साथ सेट कर दी हैं। ये देखिए, ये दो हैं, देखिए दोनों पैर की हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से ऐसे करके एक कली उठाएंगे और इसके साथ जोड़ेंगे, ऐसे इसके साथ जोड़ देंगे, और जो इसका नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ दूसरी कली जोड़ देंगे इस तरह। तो फिर जब ये कली जुड़ जाएगी, उसके बाद ये कली, फिर ये कली, इस तरह करके सारी कलियों को आपस में जोड़ते हुए चले जाएंगे। और जब जोड़ते जाएंगे तो मैं आपको एक साइड की पहले कलियां जोड़ के आपको दिखाती हूं। अब हमें क्या करना है सिलने के लिए, ये जो दो कलियां हैं बंद वाली, इन दो बंद वाली कलियों को पकड़ेंगे और इसके, और इस कली के, और सारी कलियों को इस तरह आप एक तरफ रख लीजिए। ये जोड़ने का बहुत आसान तरीका है, गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। तो इस तरह करके आप बंद कली के एक तो इस साइड जोड़ दीजिए, और सीधे तिरछे का ध्यान रखना, तिरछे हिस्से के साथ सीधा हिस्सा, जैसे हम छह कली का पेटीकोट में सिलते हैं। अगर आप तिरछा तिरछे हिस्से जोड़ देंगे, जैसे आपने तिरछे के साथ तिरछा जोड़ दिया, तो आपका जो प्लाजो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, एक इधर सिल गया। अब हम एक इसके, एक तो हमारी बंद कली के इस साइड और एक इस साइड, ये देखिए ये ऐसे हो गया, जैसे हम छह कली का पेटीकोट सिलते हैं, बिल्कुल छह कली के पेटीकोट की तरह अभी तक हो गया। ऐसे पकड़ के सिल देंगे।
और एक चीज बताऊं फ्रेंड्स आपको कि जब भी आप कली जोड़ें आपका ये इस तरह ऊंचा नीचा आना जरूरी है। अगर आपका ये ऊंचा नीचा नहीं आएगा तो आप समझना कि आपकी कली में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि अभी हमने इसके नीचे की गोलाई नहीं करी है, तो इसलिए ऊंचा नीचा आना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, बीच की तीन कलियां जुड़ गई हैं। अब हमें जो कलियां जोड़नी है इसके दो इस साइड और दो इस साइड जोड़नी है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको जोड़ के दिखाती हूं। ये सारी कलियां जुड़ गई हैं और लंबाई मेरी 36 लंबाई का मैं कंप्लीट बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सारी कलियां जुड़ गई हैं लगभग। ये देखिए बीच की कलियां और ये सारी कलियां। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें आसन का निशान लगाना है। देखिए घेर कितना अच्छा है और ऊंचा नीचा है। इसको मैं अभी आपको जब कटिंग करूंगी तब बताऊंगी किस तरह इसकी कटिंग होती है। तो अब हमें घेर का निशान लगाना है। तो देखिए 36 लंबाई हमारी है, तो 36 का तीसरा हिस्सा हमारा आसन होता है। तो 36 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। तो ये देखिए ये 12 आ गया, ये 12 हमारा आसन होगा। इनके प्लाजो के और ट्राउजर के, इन सब के आसन लंबे नहीं होते। अगर कोई ढीला चाहे तो 1 इंच बढ़ा दीजिए, अदरवाइज जितनी लंबाई होती है उसके 3 भाग हम आसन रखते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, ये देखिए हमने 12 पे निशान लगा लिया। तो इसमें जो है अभी हम ऊपर मोड़ने के लिए यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, पूरी पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी जब हम सिलेंगे तो हमारा लगभग इतना पट्टी में भी चला जाएगा, जितना सिलाई के बाद हमारा बचता है उसे हम आसन लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास, हम अपना आसन यहाँ 12 का निशान लगा देंगे। ये हमने 12 का निशान लगा दिया और ऐसे ही हमारे पास ये दूसरा पैर बना हुआ है। ये देखिए ये बना हुआ है, इस पर भी हम यहाँ पे 12 का निशान लगाएंगे। और उसके बाद लगाने के बाद इस आसन को और इस आसन को दोनों को मिला के सिल देंगे, ऐसे करके जहाँ पे हमारा 12 का निशान आ रहा है ऐसे यहाँ सिलेंगे। फिर इन दो इस वाले को सिलेंगे, ऊपर वाले हिस्से को इसके साथ सिलेंगे, और सिलने के बाद फिर इस तरह करके पूरा गोल सिल देंगे। तो ये मैं अभी आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसका ये आसन सिला और ये देखिए इसका पीछे का आसन सिला। सिलने के बाद मैंने इसको पूरा ऐसे गोल सिल दिया, ये देखिए ऐसे करके गोल सिला। और मैंने बीचों बीच यहाँ पे एक कट का निशान डाल दिया जिससे आसन में झूल ना पड़े। और ये देखिए ये इसके ऊपर मैंने ऐसे नेफा लगाया है और नेफा लगा के मोड़ दिया। फ्रेंड्स अगर हम इसके अंदर नेफा ना लगाते, ऐसे ही मोड़ते, तो इसके नेफे में झोल आता, क्योंकि ये ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा है। तो अब देखिए अब हम इसकी नीचे की गोलाई करेंगे। तो अब हम इसे सीधा करेंगे पहले। इसे खींच के देख लेंगे, अगर सिलाई चटकनी होगी तो टूट जाएगी सिलाई और फिर हम इसे वापस दोबारा लगा सकते हैं। ये देखिए ये हमने खींच के देखा, हमारी कोई सिलाई नहीं टूटी। और ये देखिए ये हमने अपने घेर को इस तरह रख लिया ऊपर एक करके। ये देखिए अब हमें इसकी नीचे की गोलाई करनी है। तो देखिए इसकी 36 लंबाई है। लास्टिक डालने से पहले लंबाई का निशान लगेगा, क्योंकि लास्टिक डालने के बाद तो फिर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये देखिए हम, ये देखिए बिल्कुल पूरा आ रहा है 36, जबकि हमने इसमें 1.5 इंच बढ़ाया था। ये भी सही है। अब हर कली पे निशान लगाएंगे, ऐसे करेंगे और हर कली के ऊपर, बीच में नहीं कली के ऊपर। और इसी प्रकार पीछे वाले पे भी निशान लगाएंगे, एक साथ नहीं काटते क्योंकि कलियां अक्सर ऊंची नीची हो जाती हैं इस तरह फैलाते समय, तो फिर नहीं तो बाद में इसका घेर कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा लगे। तो अब हम इसे काटते हैं। ये देखिए ये हमारा घेर पूरा कट चुका है।
ये घेर पूरा कट चुका है, अब हम इसमें पीको करा लेंगे। इसी प्रकार हम इधर भी काटेंगे, इसी प्रकार हम इधर वाले हिस्से को रखेंगे और उसी तरह 36-36 के निशान लगा लेंगे। हम ऐसे इसमें भी 36-36 के इस तरह निशान लगा लेंगे और निशान लगा के बिल्कुल पहले की तरह ही काट लेंगे जैसे हमने ये काटा है। देखिए कितनी सफाई से कटा है और कितनी अच्छी गुलाई आई है। अब हम इसमें पीको कराएंगे और इसे भी काट के हम पीको कराएंगे और इसमें जितनी हमारी कमर की जो चौड़ाई है, जैसे अब इसमें मेरी 38 कमर है तो ये देखिए बिल्कुल फिटिंग भी बिल्कुल सही आई है। 38 कमर है, 42 हिप थी, 38 कमर है तो हम 19 इंच है तो 17 इंच का इलास्टिक यानी 17 × 34 इंच का इलास्टिक डालेंगे और ये सारा हमारा खिंचाव में आ जाएगा। फिर जब इलास्टिक फैलेगा तो ये पूरा सेट हो जाएगा। और ये जगह जो है 42 हिप है तो 42 को 3 से भाग करेंगे तो 14, ये देखिए ये 14 हमारा आना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल पूरा 14.5 आ रहा है यानी इसकी फिटिंग बिल्कुल ओके है। और फ्रेंड्स अगर हमें इसके अंदर लाइनिंग लगानी होगी तो वो इसी प्रकार तैयार पे ही लाइनिंग लगेगी। जब लाइनिंग लगेगी तो उसके लिए जैसे हमने अभी इससे पहले ए शेप का प्लाजो बताया था उस तरह की तिरछी शेप का प्लाजो काट लेंगे और इसके अंदर पहले प्लाजो को पूरा सिल लेंगे। सिलने के बाद ये जो हमने नेफा लगाया है इस नेफे के अंदर डालते हुए इसका पूरा प्लाजो इसके अंदर सिल देंगे और उसमें सिलाई से मोड़ देंगे नीचे और इसमें पीको करा देंगे। तो फ्रेंड्स अस्तर लगानी तो इसमें बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको अस्तर लगाने का तरीका भी सिखा दूंगी। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।